नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। योगी सरकार की इस अनूठी पहल से मिलेंगी हजारों युवाओं को नौकरियां। नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले यूपी के युवाओं को योगी आदित्यनाथ ने देने वाले हैं बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके चलते यूपी के हजारों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। अगली स्लाइड में जानिए कहां मिलेंगी ये नौकरियां। झांसी जिले के 15 गांव बनेंगे डिफेंस कॉरिडोर। आपको बता दें कि योगी सरकार झांसी जिले के 15 गांवों को मिलाकर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रही है, जिससे इन गांव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगे जानिए कब मिलेंगी ये नौकरियां। जल्द मिलेंगी नौकरी। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के विकसित होने से बड़ी संख्या में यहां के युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि ये नौकरी बहुत जल्द दी जाएंगी। ये गांव हुआ इस लिस्ट में बाहर। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के तहत 2015 में झांसी और औरैया को चुना गया था। सर्वेक्षण के बाद औरैया में उचित वातावरण नहीं मिल पाने के कारण इस जिले को इस योजना से बाहर कर दिया गया। चुने गए झांसी के 15 गांव। झांसी के 15 गांवों को डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित करने को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल ने गजट प्रकाशित करते हुए झांसी जिले के 15 गांवों की 5,567 एकड़ जमीन को राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की सूची में शामिल कर दिया है। यहां बनेगा डिफेंस एक्सप्लोसिव यूनिट। खबरों के मुताबिक बुंदेलखंड और उसके आसपास के इलाकों में जमीन के अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। यहां सेना के लिए बम, बारूद, अस्त्र शस्त्र और अन्य तरह के उपकरण बनाए जाएंगे। झांसी का बबीना क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास क्षेत्र है। इसी के पास कैरा गांव में डिफेंस एक्सप्लोसिव यूनिट के निर्माण का भी काम चल रहा है। चेन्नई में भी बन रहा है एक कॉरिडोर। चेन्नई में भी एक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। दोनों जगहों में देश और विदेश की जानी मानी कंपनियां निवेश करेंगी। डिफेंस कॉरिडोर के विकसित होने से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।